गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पटना में हो रही विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक को लेकर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा ये गठबंधन नहीं बन रहा है बल्कि ये ठगबंधन बन रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जनता उन्हें पसंद करे लेकिन आपस में ही ये लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिहार में हो रही बैठक को आप दूसरे तरीके से देखिए। ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट पसंद नहीं है, कम्युनिस्टों को ममता और कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है और केजरीवाल को उद्धव ठाकरे पसंद नहीं है। ये सभी लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता उन्हें पसंद करे। जनता ने अपनी पसंद बता दी है कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। वहीं सागर में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि दिग्विजय सिंह की आदत है हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने की। जिनके घर टूटे हैं उनके घर फिर से बनाए जा रहे हैं। ठगबंधन बन रहा है, ये ठगबंधन की बैठक है। अब आप देखिए दूसरे पहलू से, कम्युनिस्टों को आदरणीय ममता जी पसंद नहीं है, आदरणीय ममता जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी को उद्धव जी पसंद नहीं है, उद्धव जी को महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं है। एक दूसरे को ये पसंद नहीं कर रहे और चाहते हैं कि जनता इनको पसंद कर ले। जनता अपनी पसंद बता चुकी है कि उनको भाजपा पसंद है, मोदी पसंद है, बाकी ये कुछ भी कर लें, फुके बल्बों की झालर है। राजनीतिक रोटियां सेकने का हर जगह दिग्विजय सिंह जी प्रयास करते हैं, उसके बारे में आदरणीय गोविंद राजपूत जी ने स्वयं ने स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके आवास पुनः बनाए जा रहे हैं। और वो जो व्यक्ति हैं जिनके आवास टूटे हैं उनके स्वयं के भी बयान आ चुके हैं और पक्ष में ही आए, दिग्विजय सिंह के जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दमोह में मुस्लिम युवक के खिलाफ युवती के केस दर्ज कराने पर कहा कि दमोह में युवती ने कर्नाटक की उमर फारूक के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरकार ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश की पुलिस कर्नाटक भेज रहे हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि मैं प्रियंका वाड्रा से गुजारिश करूंगा कि एक बेटी को न्याय दिलाने में वो मदद करें। वहीं माता पिता को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने वाली घटना को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि ये बहुत ही मन को विचलित करने वाली घटना है। हमारा देश और हमारी संस्कृति बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है। कल बच्ची ने दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करे जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। और मैं पहले भी कह रहा हूं, पुनः कहता हूं कि ऐसी जो लव जिहादी मानसिकता है इसको हम कुचल देंगे। अभियान चलाना एक अलग विषय है पर मन को आहत करने वाली है वो स्टोरी आज जो अखबारों में पढ़ी, क्योंकि हमारा देश और हमारी संस्कृति ऐसी है नहीं कि बुजुर्गों की, ये तो उनके परिवार के बुजुर्ग थे, किसी भी कोई भी बुजुर्ग जब सामने दिख जाता है तो हम लोग उस संस्कृति के आदमी के श्रद्धा से सर निभाते। ये तो जिंदा थे, हमारे यहां तो मरने पर भी पितरों को पानी दिया जाता है, हमारी अलग संस्कृति है, ये निंदनीय कृत्य था उसका, बाकी की अगली कार्रवाई आज कहना ठीक नहीं। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर कहा कि कुछ प्रजातियां होती हैं जिन्हें कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं, कांग्रेस भी उन्हीं में से एक है। उन्हें वैश्विक स्तर पर होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही है एक्चुअल में, कुछ अपने यहां पे ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें कई चीजें हजम नहीं होती हैं। अब मोदी जी का हमारा वैश्विक नेतृत्व और ये लोकप्रियता, हर भारतवासी का मन गर्व से सीना चौड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका में शानदार स्वागत हुआ है विदेश की धरती पर जाके, अब ये जो विपक्षी आप कांग्रेस के लोगों की कह रहे हो, ये हमेशा विदेश की धरती पर जब गए हैं राहुल बाबा तब इनने देश के अपमान करने की कोशिश की है।
और एक मोदी जी है, जब विदेश में गए हैं तब भारत माता के माथे को गर्व से गौरवान्वित किया है। और इसलिए मोदी जी ने जो कल जवाब दिए वो सुनने लायक जवाब है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।